हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले आप एक चैप्टर अगर छोड़ दिए हैं या चैप्टर 2 में 3 वीडियो आप छोड़ दिए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिएगा टॉपर बैच केमिस्ट्री 2024 से। उसमें जो है आपको पूरा वीडियो लेक्चर्स जो है केमिस्ट्री का शुरू से मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे क्या उसको तनी पहले जान लेते हैं। आज आप सीखेंगे विलोपन किसे कहते हैं, अवक्षेपण किसे कहते हैं। विलोपन किसे कहते हैं, अवक्षेपण किसे कहते हैं। किसी पदार्थ की विलयता किन किन बातों पे निर्भर करती है। और आगे आप सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हेनरी का नियम, हेनरी के नियम का उपयोग और हेनरी के नियम की दोष या सीमाएं। तो आज का ये जो लेक्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहली बात हम विलोपन को समझते हैं। ये विलोपन है क्या? आप जो हैं विलोपन को इंग्लिश में डिससॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो पहले इसको जो है हम लोग समझ लेते हैं। मान के चलिए आपके पास एक ग्लास है। इस ग्लास में जो है ये पानी है। इस पानी में जो है आप ऊपर से चीनी डालते हैं, C12H22O11। आप चीनी इसमें डालते हैं, ठीक है। तो इसमें चीनी जितना बिला जाता है, ठीक है, जितना बिला जाता है उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विलोपन, ठीक है। आ इसके पेनी में बोलते हैं हम लोग, इसके पेनी में जो चीनी बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं अवक्षेपण, ठीक है। फिर से आप समझिए, किसी विलयन में बिले घुलने की प्रक्रिया को हम लोग विलोपन कहते हैं। आ किसी विलयन में जो बच जाता है बिले उसको हम लोग अवक्षेपण कहते हैं। बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे। जैसे पानी चीनी का हम लोग शरबत बनाते हैं तो ढेर मानी चीनी तो घुल जाता है। जो चीनी घुल जाएगा वो कहलाएगा विलोपन। आ जो ओकर पेनी में नीचे बच गया है चीनी वो कहलाएगा अवक्षेपण। बात आप समझ चुके होंगे, वेरी गुड। अब आगे हमनी के पढ़ते हैं कि किसी पदार्थ की विलयता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तनी ये नहीं आपको समझ में आए तो तनी समझिए। पानी में चीनी घुलेगा तो आखिर कोई शर्त होगा कि आखिर काहे घुलेगा, क्यों घुलेगा और कौन कौन बात को जो है ध्यान में रखते हुए घुलेगा। तो आइए आपको हम समझाते हैं। कोई भी पदार्थ अगर किसी चीज़ में डालते हैं या बिला जाता है तो निम्न बात पे निर्भर करता है। पहला, बिले बिलायक और विलयन की प्रकृति पे। आइए तनी इसको समझते हैं। अगर आप चीनी को बालू में ले जाके मिलाएंगे तो चीनी बालू में बिला जाएगा, नहीं बिलाएगा। तो सबसे पहला बात जो है, कोई भी पदार्थ किसी चीज़ में बिलाता है तब बिले बिलायक और विलयन की प्रकृति पे निर्भर करता है। जैसे अगर आपका शादी विवाह कोनो जानवर के साथे करा देवल जाए तो का आप सुखी रहिएगा, नहीं रहिएगा। कहे के मतलब दोनों के नेचर समान रहना चाहिए। विलायक वैसन रहना चाहिए जो किसी बिले को घुला लेवे, आ बिले ऐसन रहना चाहिए जो किसी विलायक में डाले तो घुल जाए। एक वो आप केमिस्ट्री में नोट्स पढ़े होंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। मतलब हम जैसन रहेंगे तो हमरे जैसन जो है दोस्त भी होना चाहिए, तब्बे हमनी के जो है आपस में बढ़िया दोस्ती होगा। नहीं तो हम जो है पढ़े लिखे वाला हैं, हमार दोस्त जो है दारू पिए वाला है, तो हमने में कहियो बढ़िया दोस्ती होगा, नहीं होगा। तो वैसे ही किसी भी पदार्थ अगर कोई चीज़ में बिलाता है तो पहला बात, बिले बिलायक और विलयन की प्रकृति जो है समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिलायक ऐसा होना चाहिए जो कोनो के अपन अंदर घुलाइबे नहीं करे, तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीनों के प्रकृति समान होना चाहिए, तो प्रकृति पे निर्भर करता है। दूसरी,
विलयता ताप पर निर्भर करता है। कोई भी चीज अगर नहीं घुल रहा है, जैसे चीनी को पानी में हम डाल दिए, नहीं घुल रहा है, तो ओकरा नीचे से आग देंगे, यानी टेम्परेचर ताप उसका बढ़ाएंगे, तो ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो चीनी जो है घुले लगेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विलयता ताप पर निर्भर करता है, यानी कि ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ता है। लेकिन एक और बात बताएं, केमिस्ट्री में अपवाद बहुत सारा होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, एकरा आप ताप दीजिएगा तो एकर विलयता बढ़ेगा नहीं, एकर विलयता घट जाता है। तब विलयता जो है, पहला बात, विलय और विलायक की प्रकृति पे निर्भर करता है, यानी कि प्रकृति दोनों के समान रहना चाहिए, दोनों के गुण आपस में कम से कम मिले के चाहिए। ठीक है, विलय और विलायक के एकरे मिले से तो बनता है विलयन, है कि नहीं। विलयता ताप पर निर्भर करता है, यानी ताप बढ़ावे से विलयता बढ़ता भी है और ताप बढ़ावे से विलयता घटता भी है, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो है दाब, विलयता जो है दाब पे निर्भर नहीं करता है। अब कहेंगे काहे सर दाब पे निर्भर नहीं करता है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक जो है आपके पास जो है बॉटल है, उसमें पानी है, आप इसमें जो है चीनी डाल दिए, ठीक है सर, आ चीनी डाल दिए, आ चीनी जो है पानी में घुल ही नहीं रहा है, तो हमने के चीनिया के दबाएंगे, पनिया के दबाएंगे कि नहीं, नहीं एकदम दबाओ दबाओ घुल जाएगा, नहीं दबाएंगे नहीं। तो विलयता जो है दाब पे निर्भर नहीं करता है, यानी विलयता दाब से ना ही बढ़ता है ना ही घटता है। काहे नहीं, तो पानी और उस विलेय और विलायक दोनों जो है असंपीड्य होता है, असंपीड्य जिसे हम लोग दबा के बड़का या छोटका नहीं कर सकते हैं, उसे असंपीड्य कहते हैं। ठीक है, तो आप बात समझ गए होंगे कि किसी पदार्थ की विलयता कौन कौन बात पे निर्भर करता है। तो विलेय और विलायक की प्रकृति पे, दूसरा ताप पे निर्भर करता है, तीसरा दाब पे निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है अगर एक्सप्लेन करला कह देवे तो, तब विलय और विलायक विलयन की प्रकृति जो है सबके समान प्रकृति होना चाहिए, सबके गुण आपस में कम से कम मिलना चाहिए। ठीक है, ताप बढ़ावे से विलयन का जो है विलयता बढ़ता है और कोनो कोनो के जो है घटहू जाता है। ठीक है, दाब से जो है कोनो के विलयता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, काहे कि दबा के हमने के विला नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। ये जो है अब की 2024 के पेपर में छपे वाला है, एगो तनी बतावा याद रखना सब। अगर आप कभी भी देख रहे हैं किसी भी इयर्स में इस वीडियो को, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हेनरी का नियम, ये हेनरी के नियम का है। तो हेनरी का कहे थे कि अगर टेम्परेचर स्थिर रखल जाए, मतलब कि ना ही ताप हम बढ़ा रहे हैं और ना ही ताप घटा रहे हैं, तो किसी भी द्रव में जितना गैस घुलेगा वो गैस के मात्रा आंशिक दाब के समानुपाती होगा। जैसे कि आप पानी में जो है कोनो ऑक्सीजन को मिला रहे हैं, तो कितना ऑक्सीजन मिल गया है आ अभी ओकरा पर कितना दाब बनल है, ओकरा पर कितना दाब बनल है, वो मिलल गैस के मात्रा और दाब जो है आपस में समानुपाती होता है। हेनरी का कह के गए थे कि स्थिर ताप पे काची किसी द्रव में गैस की मात्रा यानी m द्रव्यमान, ठीक है, उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। दाब मतलब प्रेशर आ m मतलब क्या है, m मतलब जो है द्रव में कितना गैस की मात्रा घुली हुई है। ठीक है, तो m मतलब कि द्रव में कितना गैस की मात्रा घुली हुई है और p मतलब कि प्रेशर, तो गैस की घुली हुई मात्रा प्रेशर के समानुपाती होता है स्थिर ताप पे, यह नियम हेनरी कह के गए थे। अब बताइए हई m बराबर है, जब समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे बराबर देंगे तो एगो स्थिरांक आएगा, स्थिरांक को हम लोग के एच लिखेंगे, आई पी के तब पी उतार ही देंगे। हई के ए का है, के एच का है,
तो एच से हेनरी आ के जो है नियतांक स्थिरांक आप बोलते हैं, तो ये के एच जो है का है हेनरी स्थिरांक है, ठीक है। अब जो है कहेंगे सर ये हेनरी स्थिरांक होता का है, तो हेनरी स्थिरांक का होता है तो किसी भी गैस का आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज के अनुपात को हम लोग हेनरी स्थिरांक कहते हैं। आइए तनी समझते हैं, हेनरी स्थिरांक जो होता है आंशिक दाब यानी प्रेशर पी और उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। मूल प्रभाज को एक्स से भी सूचित करते हैं, कोनो कोनो आदमी चाई से भी सूचित करता है, एक्स को चाई भी बोलता है, ठीक है। तो इसके समानुपाती होता है, बात समझ गए। अलग अलग गैसों का हेनरी स्थिरांक का मान जो है अलग अलग होता है। जैसे एगो दूगो एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं, जैसे आप कहिएगा सर ये सब आप पढ़ाते हैं तो इसका नोट्स होगा कि नहीं, तो नोट्स आप तो देते नहीं हैं। अरे देते हैं सर नोट्स, लेकिन नोट्स के लिए आपको जो है ना कुछ एगो ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, अपन एगो ऐप है उस ऐप को आप डाउनलोड काहे नहीं करते हैं। अगर आप एगो पढ़े वाला विद्यार्थी हैं तो आपके मोबाइल में जो है आपका अपना ऐप होना चाहिए। अब कहेंगे सर ऐपवा के नाम ये नहीं बताते हैं, कहते हैं कि ऐप होना चाहिए। SGS क्लासेस जो है एगो ऐप है, ये ऐप अपन फोन में डाउनलोड कीजिए। एकरा पे केमिस्ट्री 101 रुपया में टेस्ट सीरीज फलना ढेकना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ हो है, केमिस्ट्री बहुआ है, ठीक है। चलिए हमने कितनी आगे बात करते हैं, हेनरी स्थिरांक के अलग अलग गैसों का जो है अलग अलग मान होता है। जैसे ऑक्सीजन के हेनरी स्थिरांक का मान होता है 4.5 × 10⁻⁵ इनवर्स से। नाइट्रोजन के मान होता है 1.9 × 10⁻⁵ इनवर्स से। तो ऐसा ऐसा है, ऑब्जेक्टिव में ये सब जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, नोट्स आप लीजिएगा तो उसमें बड़ी बढ़िया से सजा के लिखल है 10-15 गो के मान, ठीक है। अब आप समझ गए हेनरी की स्थिरांक का होता है। तो स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा उसके आंशिक दाब के सीधा समानुपाती होती है, अर्थात m समानुपाती p, समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो kh लिखेंगे और p तो हैले था तो p उतार दिए। अब हेनरी स्थिरांक का है तो kh बराबर होता है आंशिक दाब बटा में मूल प्रभाज, ठीक है, आप समझ गए। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट हेनरी के नियम के उपयोग, देखिए हेनरी के नियम के उपयोग कहाँ कहाँ होता है। हेनरी के नियम के उपयोग जो है मृद्यु पेय पदार्थों में होता है। अब कहेंगे सर ये मृद्यु पेय पदार्थ का होता है, अरे वह कोल्ड ड्रिंक जो आप ठंडा स्प्राइट माजा ये सब पीते हैं ओकरा में जो है हेनरी के नियम के उपयोग करके ओकर सील को बंद किया जाता है। अब कहेंगे कि ये कौन बात हमारा समझे में नहीं आया, समझे तनी। जब हमने के बॉटल के सील को खोलते हैं तो एकदम आवाज आता है फुस देखा है, तो जानते हैं आवाज का है होता है, ओकरा में जो प्रेशर भरल रहता है वो हेनरी के नियम के अनुसार प्रेशर को भर के आ शीशिया के बोटलवा के बंद कर देवल जाता है कि ओकरा में हमेशा प्रेशर जो है बनल रहे, आ नहीं बनल रहेगा तो पेप्सिया एक के दिन में ख़राब हो जाएगा। आ पेप्सिया तो दू दू तीन तीन महीना पुराना दुकान में बिकता है, तो उसको बनाए रखने के लिए जो है हेनरी के नियम के उपयोग करके CO2 गैस ओकरा में भर देवल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, आ ठेपी के बंद कर देवल जाता है कि खराब उराब नहीं होके, ठीक है। तब हमने के पीते हैं तो ओकरा ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो का निकलेगा, एकदम प्रेशर बना के निकलेगा, है कि नहीं। दूसर का गोताखोर, जब समुद्र में जो है समुद्र में बड़का बड़का समुद्र में गोताखोर पानी के नीचे कुछ चीज़ के खोज करे जाता है तो वो सब अपन पीठ पे जो है सिलेंडर लेके जाता है, आ उस सिलेंडरवा में जो है हेनरी के नियम के उपयोग करके गैस भरल रहता है, आ कि गैस जो है वो आदमी के मिलत रहे आ नहीं तो वो मर ही जाएगा। वो सिलेंडरवा जो पीठवा पे लेके जाता है सब गोताखोर ओकरा में 11.7% हीलियम रहता है, 56.2% नाइट्रोजन रहता है, 32.1% जो है ऑक्सीजन रहता है, याद रखिएगा। तब गोताखोर समुंदर में जो नीचे जाता है पानी के अंदर तो उस सिलेंडर लेके जाता है तो ओकरा सिलेंडर में जो गैस भरल रहता है हीलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन वो जो है हेनरी के नियम के उपयोग करके भरल रहता है जिससे ओकर आंशिक दाब बनल रहे समय समय पे ओकरा ऑक्सीजन मिलत रहे,
ठीक है। तीन नंबर पर्वतारोही, माउंट एवरेस्ट पे कौन अगर चढ़ता है या चाहे पर्वत पे ऊंचाई पे चढ़ता है तो या तो ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन को जो है एगो पीठ पे ले जाता है सब सिलेंडर, और में हेनरी के नियम के उपयोग करके ऑक्सीजन भरल रहता है कि आदमी के जब ऑक्सीजन के कमी होके तो सिलेंडरवा में से धीरे धीरे निकलत रहे गैस आ आदमी के मिलत रहे, नहीं तो मर ही जाएगा, है कि नहीं। आप फेफड़ा में, हमनी के फेफड़ा में भी हेनरी के नियम के उपयोग कैल गई है, जैसे खोज हुआ तो पता चला फेफड़ा में जो है हेनरी के नियम के अनुसार जो है कहता है कि फेफड़ा में हमनी के ऑक्सीजन जो है इ दाब पे जो है आरोपित करके भरल है, आ हमनी के शरीर में कहीं भी अगर ऑक्सीजन कमी रहता है तो ये ऑक्सीजन फेफड़ा वाला ऑक्सीजन जो है खून के सहारे हीमोग्लोबिन के सहारे हमनी के बॉडी में उस जगह पे जाता है जहाँ ऑक्सीजन के कमी रहता है, तो इस सब में जो है हेनरी के नियम का उपयोग किया जाता है। नोट्स में एक एक चीज के पूरा बौवा लेखा एक्सप्लेन करल है, ऐसा हम समझा दिए हैं, है कि नहीं। अब हेनरी के नियम के दोष का हलई, दोष जेकर कुछ अच्छा बात होता है ओकर दोषो होता है कि नहीं, यो बात है। तो हेनरी के नियम सिर्फ आदर्श गैसों के लिए लागू होता है, हेनरी के नियम उहे गैस पे लागू होगा जो आदर्श गैस रहे। अब कहेंगे सर ये आदर्श गैस का है, तो एगो गैस होता है आदर्श, एक होता है अनादर्श। आदर्श गैस जो रॉयल के नियम का पालन करता है उस गैस को आदर्श गैस कहते हैं, जो रॉयल के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श गैस कहते हैं, ठीक है। दूसरा, वो गैस पे तनिको मानी हेनरी के नियम काम नहीं करेगा जेकर ताप ज़्यादा रहे दाब कम रहे, कब काम करेगा हेनरी के नियम, जब ताप और दाब दोनों ना ज़्यादा अधिक रहे ना ही कम रहे, एकदम सामान्य रहेगा तबे हेनरी के नियम जो है ऊर्जा काम आएगा। हेनरी के नियम सिर्फ आदर्श गैसों के लिए लागू होता है, हेनरी का नियम दूसरा ताप और दाब अगर गैस के समान होके तब भी लागू होता है। तीसरा नियम, तीसरा एकर दोष, गैस विलायक में पूरा ना बिलाए, यानी कि हेनरी का नियम ओइजा तक काम करता है जब विलायक कोनो रहे आ ओकरा में गैस हम डाल रहे हैं तो पूरा गैस उसमें नहीं बिलाना चाहिए। जैसे मान के चलिए पानी में अगर ऑक्सीजन को हम लोग डालते हैं आ ऑक्सीजन पूरा के पूरा पानी में बिला जाता तो ओइजा हेनरी के नियम काम नहीं करेगा, हेनरी के नियम ओइजा काम करेगा जेकरा में गैस कम बिलाए, कम बिलाए यानी कि ऑक्सीजन को डाले तो तनी मतनी बिलाए और बाकी जो है बनर रहे। अच्छा एगो एग्जांपल से समझिए, हेनरी का नियम हमनी के कोल्ड ड्रिंक में होता है, अगर हेनरी के नियम दे के आ गैसवा के हमनी के कोल्ड ड्रिंकवा में डालते तो सब गैसवा तो ठंडा में बिला जाता है, तो फूस देकर आवाज़ कहाँ से आता है, तो इसीलिए वो फूस देकर आवाज़ आता है तो हेनरी के नियम समझिए कि ऊर्जा है गैस पूरा उसमें बिलाया हुआ नहीं है, ठीक है। हाँ देखिए एक और बात, हेनरी के नियम जो है SO2 NH3 HCl ये तीनों गैस पे लागू नहीं होता है। अब कहेंगे सर एकरा पे काहे नहीं लागू होता है, ये SO2 NH3 और HCl ये सब गैस ऐसन है जो जल में पूरा बिला जाता है, पूरा के पूरा बिला जाता है, तो जेकरा जो पूरा बिला जाता है तो ओकरा पता हेनरी के नियम लगवे नहीं होखा है, हाँ कि नहीं। एगो नोट देखिए, N2H2O2 पानी में कम बिलाता है, तीन गो ऐसा गैस है नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों गैस जो है का होता है तो पानी में कम बिले है, लेकिन है तीनों जो है SO2 NH3 और HCl ये पानी में पूरा के पूरा बिला जाता है, तो एकनी पे हेनरी के नियम काम नहीं करेगा लेकिन N2H2O2 पे हेनरी का नियम काम करेगा, ठीक है। अब जो है आप बताइए कि इतना आसान से भी केमिस्ट्री हमने के पढ़ सकते हैं, अपन भाषा में पढ़ सकते हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसका नोट्स अगर लेना चाहते हैं, इसके टेस्ट सीरीज से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है अपन ऐप को डाउनलोड कीजिए जेकर नामे हैं SGS क्लासेस, है कि नहीं, इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो देखे हैं तो इतना गर्मी में पढ़ावी थी, अगर हो सके तो अपन दोस्त में शेयर कर देना, है कि नहीं। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।